हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो कट्टा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके लिए मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर नेचुरल गैस, कि नेचुरल गैस में हम किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल दोनों कमोडिटी सेक्शन में आते हैं, जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली नेचुरल गैस में हम किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें लॉट साइज कितना लगता है, कैपिटल कितना लगता है, उसके अलावा उसमें चार्ट कौन सा देखना है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। नॉर्मली बिगिनर का यही क्वेश्चन होता है। और उसके अलावा इसमें स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है, एक पॉइंट पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम इसमें देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रूड ऑयल के बारे में पता नहीं है तो उसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू ट्रेड इन क्रूड ऑयल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कल के दिन में ही मैंने नेचुरल गैस में 4 लॉट में 1,05,000 का प्रॉफिट लगभग बुक किया हुआ है। उसका रील मैंने इंस्टा पे डाला हुआ है, आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा। विद द कैपिटल ऑफ 1,40,000 मैंने 1,05,000 का प्रॉफिट बुक किया है। तो आप देखो, नेचुरल गैस में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है एज कम्पेयर टू क्रूड ऑल्सो। अभी रीजन क्या है इसका, कि क्रूड ऑयल का जो लॉट साइज है वो है 100 का, मतलब एक पॉइंट अगर आपको प्रॉफिट होता है तो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हो तो नेचुरल गैस का जो लॉट साइज है वो है 1,250 का। तो आप समझ लो, अगर आपको एक पॉइंट का प्रॉफिट होता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1,250 का होगा। तो उसमें अगर आपने 2 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपका हो गया 2,500 रुपए का प्रॉफिट। इसी प्रकार से अगर आपने 4 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर लिया तो 5,000 का प्रॉफिट आपका एक दिन का यहाँ पे बनता है। बट जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, ज्यादा लालच मार्केट से रखनी नहीं है। अगर आपका दिन का एक पॉइंट भी मिल गया, 1,250 आपको एक लॉट में मिल जाएंगे, इनफ फॉर द डे। आप हर दिन ट्रेडिंग करो। जो है ना अंडे, अंडा और मुर्गी, आपको पता होगा कि सोने का अंडा अगर मुर्गी देती है तो उसको काटना नहीं है, उसका एक एक अंडा डेली लेना है। वैसा ही ट्रेडिंग की चीज होती है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो डेली एक अंडा ले लो, खाओ और शांत बैठो। अगर आप एक ही दिन में आपको लगेगा कि मुर्गी को मैं काटता हूं और पेट में से सारे अंडे निकालता हूं तो मुर्गी मर जाएगी, मिलेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। बेसिकली नेचुरल गैस का फ्यूचर का चार्ट आपको देखना है और करंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, करंट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट यहाँ पे जो है आप देख सकते हो। यहाँ पे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों का सेम है। क्रूड ऑयल का भी अगर आप यहाँ पे देखोगे, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, और सेम नेचुरल गैस का भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स आप यहाँ पे चार्ट लगा सकते हो। अब ये मैंने यहाँ पे चार्ट लगा दिया। इसके बाद पहली बारी आती है कि सर कैपिटल मुझे कितना लगेगा। तो गाइस देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, एवरेज जो लोग यहाँ पे होते हैं जिनका कैपिटल मतलब कम चाहिए, हमें ज्यादा कैपिटल हमें नहीं चाहिए। तो अगर कम से कम कैपिटल में आपको ट्रेड करनी है तो आपको आपके पास ऑप्शंस ही आता है, फ्यूचर में तो आप नहीं कर सकते। फ्यूचर में आप ट्रेड करने जाओगे आपको 2 लाख के आसपास कैपिटल लगेगा। तो अगर आपको ट्रेड करना है ऑप्शंस में तो आप ऑप्शन में 30,000 के आसपास कैपिटल यूज कर सकते हो। 25 to 30,000 के रेंज में आपका अगर कैपिटल होगा तो आप इजीली इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे बात आती है कि सर चार्ट हम देख रहे हैं तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो कौन सा होना चाहिए। नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम लगाओ। देखो मैं 15 मिनट आपके लिए क्यों बता रहा हूँ, नॉर्मली मैं 5 मिनट का देख के ट्रेड देता हूँ, लेकिन कंफर्मेशन लेने के लिए मुझे 15 मिनट में शिफ्ट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंडल्स देखो यहाँ पे, और 15 मिनट में वही कैंडल्स आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू देती है। तो 15 मिनट आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। जब मैं ट्रेड देता हूँ तो मैं भी यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल देखते ही देता हूँ। मतलब अगर मुझे 5 मिनट में ब्रेकआउट मिला फिर भी मैं 15 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि क्या वहां पे कैंडल क्लोज हुई है 15 मिनट की। अगर नहीं हुई है तो उसके लिए मैं वेट करता हूँ। एग्जाम्पल 15 मिनट के कैंडल में यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है, शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर आप इसको कहते हैं, ये बना। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आ गया, कितना नीचे आया है, 0.64% नेचुरल गैस। फिर नेचुरल गैस में एक चीज है, एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, ये इतना सा कैंडल है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, कितना कैंडल है, कितना ऊपर गया है, यहां से लेके यहां तक सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर गया है। तो ये 3 पॉइंट भी आपको ऑप्शंस में अगर आपने राइट ऑप्शन चॉइस कर लिया ना स्ट्राइक प्राइस, तो आपको 1 पॉइंट वो आराम से देगा। यहाँ पे अगर 4-5 पॉइंट का मोमेंटम आया ना तो वहां पे आपको 1 से 2 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। बट उसके लिए आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो भी स्ट्राइक प्राइस कौन सा होना चाहिए,
एक चीज अगर आपको देखनी है ना, तो आज के ही दिन में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 695 का सी वॉचलिस्ट में ऐड कर लो और 700 का सी वॉचलिस्ट में ऐड कर लो, ठीक है। ये जो है राउंड अप 700 सी, इसको भी वॉचलिस्ट में ऐड कर लो और 695 का जो सी है इसको भी वॉचलिस्ट में ऐड कर लो। आप यहाँ पे देखोगे आपको 700 के सी में वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा, 695 में वॉल्यूम कम दिखेगा। फिर से अगर आप आते हो 690 के सी में, ठीक है, इन द मनी अगर आप आते हो 690 का, अगर आपने सी ऐड कर लिया फिर भी आपको इसमें वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा। तो राउंड अप वाला जो होता है ना, बेसिकली बीच वाला, मतलब 95 75, ये मत लो, 700 वाला ले लो, 690 है। आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ? जहां पे आगे जीरो आएगा वो वाला स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है। फिर 700 हो गया, 710, 720, 730, वैसे ही अगर अंदर आना है इन द मनी में तो 690, 680, 670, 695 नहीं लेना है, 685 नहीं लेना है, उसमें वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। उसमें प्रीमियम जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो भी उसी प्रकार से होगा, प्रीमियम डीके ज्यादा होगा ऑब्वियसली, प्रीमियम इंक्रीज कम होगा। तो बेटर है कि आपको स्ट्राइक प्राइस जब भी आप सिलेक्ट करते हो, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो होना चाहिए राउंड अप, ठीक है। अच्छा, अब लॉट साइज कितना होता है? तो 1250 का लॉट साइज होता है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शन में, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो फ्यूचर में। तो फ्यूचर में भी अगर आप ट्रेड करते हो एक पॉइंट पे आपको 1250 के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है, अगर आप ऑप्शन में भी करते हो तो भी आपको एक पॉइंट पे 1250 के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है। अच्छा, क्या नेचुरल गैस सेफ है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी? निफ्टी डेफिनेटली सेफ है, क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम है वो काफी स्लो होता है और आपको एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए मौका मिलता है। नॉर्मली बैंक निफ्टी में क्या होता है, मौका ही नहीं मिलता कि हम कब एंटर कर लिए और कब हम एग्जिट हो जाए हो गए। आपको ये चीज पता होगी, दोज हु आर फ्रॉम मुंबई या फिर ट्रेन से जो लोग सफर करते हैं लोकल से स्पेशली, तो अभी देखो मैं तो पुणे से हूँ, उतना लोकल का और मेरा कांटेक्ट हुआ नहीं है, बट जितना मुझे पता है, देखा है या फिर जब भी मैं मुंबई गया हूँ, तो नॉर्मली क्या होता है लोकल में, अगर आपको जाना है और अगर आप सुबह सुबह 9 के 10 के बीच में, तो अगर आप स्टेशन पे खड़े हो तो आप ऑटोमेटिकली अंदर घुस जाते हो और ऑटोमेटिकली आप बाहर निकल आते हो, आपको चलने की भी जरूरत पड़ती नहीं है, पैर आपके ऑटोमेटिक जो है वो जो क्राउड होता है उसके साथ अंदर चले जाते हैं। तो वैसे ही कुछ बैंक निफ्टी का है, आप वैसे ही अंदर घुसते हो और वैसे ही बाहर निकलते हो, अगर आप टाइम पे बाहर निकल गए ठीक, नहीं तो फिर गिर जाओगे, मतलब क्या होगा, एसेलेट होगा। तो इस प्रकार से नेचुरल गैस में और क्रूड ऑयल में नहीं है, आपको यहाँ पे जो लोकल है वो स्लो लोकल है, आप समझ लो, आराम से यहाँ पे आएगी रुकेगी, आप वेट करोगे, इधर इधर देखोगे, आप आराम से अंदर बैठोगे। तो इस प्रकार से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में आपको एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए मौका मिलता है। तो मौका मिलना जरूरी है, मौका मिलेगा तो ही हम चौका लगा सकते हैं, है ना। तो 1250 का लॉट साइज। अच्छा, अभी पहली बार अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो, 30 से 35 हजार के ऊपर कैपिटल नहीं लगाना है। चलो सर, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस आपने बताया सेफ है, क्रूड ऑयल आपने बताया सेफ है, 2 लाख कैपिटल लगा देता हूँ, दिन के 10 15 हजार निकल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। पहले एक लॉट के साथ आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ, 10 15 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट करो, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड जो है वो चालू करना है, ठीक है, कैपिटल बढ़ाना है। अच्छा, अभी क्या हम नेचुरल गैस में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? तो नियो स्टॉक एप्लीकेशन है, उसमें आप क्रूड ऑयल नेचुरल गैस दोनों में भी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको उसका डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो चैट बॉक्स में बता दो, कमेंट में बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली अपना लाइव स्ट्रीमिंग होता है 2 बार, दोपहर को 12:30 से 12:30 के बजे के बीच में मैं लाइव आता हूँ फॉर बैंक निफ्टी, वो लाइव चलता है 3:30 बजे तक, और शाम का लाइव आता हूँ मैं नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के लिए, तो वो रहता है 6:30 के आसपास 1 घंटे के लिए। तो ऐसे 2 टाइम अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखी है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा आपको क्या चाहिए वीडियो, कौन से टॉपिक पे आप वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो, चैट बॉक्स में या फिर कमेंट में बताना, बिल्कुल मत भूलना। अभी यहाँ पे कौन सा टॉपिक बचा है हमारा, हमने लॉट साइज देखा 1250 का होता है, मैंने कैपिटल बताया क्या होता है, मैंने टाइम फ्रेम भी बताया कि यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे यूज करना है, अगर आप फ्यूचर में करोगे तो 2 लाख के आसपास कैपिटल लगेगा, अगर आप ऑप्शंस में करोगे तो 30,000 के आसपास कैपिटल लगेगा।
यहाँ पे जो मोमेंटम आता है, अभी किसी ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले चैट में बताया था कि मोमेंटम नॉर्मली कब आता है, अच्छा मोमेंटम तो मैं शाम को 6:30 बजे के आसपास ही क्यू लाइव आता हूँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ओपन हो जाते हैं। तो ग्लोबल मार्केट ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे भी मोमेंटम आ जाता है क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में। इसलिए अगर आप देखोगे तो एक अच्छा मोमेंटम, अभी मैं यहाँ पे अगर आपको पीछे लेके जाऊं तो आपको पता चल जाएगा। ये आप देख लो यहाँ पे शाम को कैसा मोमेंटम आया है, देखो 7:30 बजे के आसपास एक बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और प्राइस एक्शन, अब आपको सबको पता ही है मैं इंडिकेटर का ज्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ, मैंने आपके लिए एक निफ्टी के ऊपर इंडिकेटर का वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हो कि नेचुरल गैस के लिए भी कुछ सेटिंग बताओ सर, इंडिकेटर्स बताओ, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद नीचे आया, रिटेस्टिंग हुआ, रिटेस्टिंग होने के बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आ चुका है। तो इसी मोमेंटम में मेरा कल जो है 1,05,000 का प्रॉफिट हुआ है, चैट बॉक्स में आप देख सकते हो मैंने उसका लिंक भी डाला हुआ है। तो इस प्रकार से डेली मोमेंटम है, डेली। अच्छा, मार्केट चालू हुआ उसके बाद देखो स्लो 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 स्लो, और यहाँ पे शाम को देखो 4-5 बजे के बाद मोमेंटम आया। सेम आज मार्केट यहाँ पे चालू हो चुका है, ठीक है, मैं अभी शांत हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 4:30-5 बजे के बाद यहाँ पे मोमेंटम चालू होगा, तो लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। आप जब भी वीडियो देखोगे 14-12 अगस्त का चार्ट देखो, अगर आप एक हफ्ते के बाद भी देख रहे हो 12 अगस्त का चार्ट देखो, जब भी 695 तोड़ेगा एक तगड़ा मोमेंटम आएगा, और 687 तोड़ेगा डाउनसाइड में एक तगड़ा मोमेंटम आएगा। तो प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट है गाइस, अगर प्राइस एक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या टॉपिक चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं अपने आपके कट्टे पे, तब तक जय हिंद।